क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर सेवन और एट आपका बच सॉरी सिक्स और सेवन आपका बच गया है वो आज सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखेंगे और मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगी तो वो आपको करना है। यस, तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है, देखते हैं इसको भी ऑब्जर्व करते हैं आप, ये भी इजी दिख तो इजी ही रहा है, एक बार इसको भी करके देखते हैं। चलो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ लाइंस बनी हुई है और लाइन जो है वो इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस कर रही है, ये एक लाइन बनी दूसरी लाइन फिर ये लाइन और ये लाइन होती है। ओके चलो अब हम क्या करते हैं इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या है। तो अगर हम 5, 6, 7, 8 मतलब अगर हम इस तरीके से इसको देखें तो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा, देखो 4 है फिर 5 आया फिर 6 आया ठीक है फिर 7 आना चाहिए फिर अगर हम जाते हैं आगे तो यहाँ पर और कुछ आना चाहिए पहले यहाँ पे तो 2 आ रहा है मतलब वो तो हमारा फॉलो नहीं कर रहा ठीक है। अब हम लाइन को देखें, इस अगर हम लाइन को देखें तो ये 2 है ये 4 है ठीक है, ये 5 है ये 25 है, ये 8 है ये 64 है और ये हमें करना है 6 के साथ। तो देखो यहाँ पर आपको स्क्वायर्स तो पता ही है, जैसे 2 × 2 करते हैं तो 4 आता है ना, 3 × 3 करते हैं तो 9 आता है, 4 × 4 करते हैं तो 16 आता है ना, ये स्क्वायर्स होते हैं, 5 × 5 करते हैं तो 25 आता है। तो यहाँ पर कुछ हमको ऐसा दिखा, देखो ये नंबर 2 है तो इसके सामने 4 है, मतलब अगर हम 2 का स्क्वायर देखें, 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 अगर हम करते हैं तो 4 आ जाता है। चलो ठीक है, एक लाइन तो समझ में आ गई, एक जो लाइन थी वो समझ में आ गई, एक साइड पे दे रखा है 2 और अदर पे दे रखा है, नेक्स्ट वाली दूसरी जो साइड है उस पर 4 दे रखा है, मीन्स यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 करते हो आप तो 4 आ रहा है। ओके अब हम नेक्स्ट को देखते हैं, इस 5 को देखते हैं, 5 को करते हैं तो क्या 5 × 5 करते हैं तो 25 आता है, यस 5 का स्क्वायर 25 होता है और वो जस्ट देखो उसके सामने ही लिखा हुआ है। ओके फिर 8 का करके देखते हैं, 8 पे भी फॉलो हो रहा है कि यही चीज हो रहा है, तो देखो 8 × 8 यानी 8 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो आपके पास क्या आता है 64 आता है। तो देखो लाइन पे हमारा पैटर्न बन रहा है कि 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25 हो रहा है, 8 का स्क्वायर 64 हो रहा है, तो 6 का भी स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर मीन्स 6 × 6 6 × 6 करेंगे तो क्या आएगा 36। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था वहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट था ये, एक बार और समझा देती हूँ, आपने लाइन देखी यहाँ पर 2 है 2 का स्क्वायर, 6 है 6 का स्क्वायर कर दिया, 5 है 5 का स्क्वायर, 8 है 8 का स्क्वायर, यानी जो लाइन है उसके एक साइड पे तो एक नंबर लिखा हुआ है, उसकी जो दूसरी साइड है वहां पर आपको उसी नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इसका हमने कर दिया सॉल्यूशन। सिक्सटीन होता है ठीक है, 16 + 9 = 25 होता है ठीक है, 25 + 11 करते हैं 36 आता है ठीक है। अब नीचे के आपको 3 ब्लैंक्स दे रखे हैं वहाँ पर आपको फिल करना है, तो अब आपको देखना ये है कि ये जो 9 है फिर 16 है फिर 25 है इसमें कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, और 7, 9, 11 में। चलो ठीक है, अब देखो ये जो 7, 9 और 11 है मतलब जो सेकेंड नंबर दिख रहा है आपको वो देखो क्या है 7, 9, 11 मीन्स ये आपका कैसा नंबर आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है, 7 है फिर 9 है फिर 11 है। ओके फिर इसका जो नेक्स्ट होगा वो 13 हो जाएगा ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट में हम 15 कर देंगे, फिर इसके नेक्स्ट में हम 17 कर देंगे। ओके तो यहाँ पर तो हमको समझ में आ गया कि ये वाला जो नंबर्स बन रहे हैं ये तो आपके कैसे नंबर है, ओड नंबर्स जो कि 7 से स्टार्ट हो रहा है और उसका नेक्स्ट नेक्स्ट आपको लिखते हुए जाना है। तो चलो हम लिख लेते हैं 7, 9, 11 तो 11 के बाद में ओड नंबर आता है आपका 30 और उसके नेक्स्ट 40 नहीं आएगा, क्या आएगा 15 आएगा, फिर उसके नेक्स्ट 16, 9, 7 ठीक है। चलो ये तो हमने फिल कर दिया, अब हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर 5 का स्क्वायर हो रहा है आपका 25, अब 6 का स्क्वायर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर इज 64। ठीक है, तो हमने जो ब्लैंक्स में हमारे आगे वाले हमको नंबर्स ए या बी में वो तो हमने फाइंड आउट कर लिए, फर्स्ट वाली जो कॉलम बन रहा है उसमें तो स्क्वायर्स है एंड सेकंड वाले कॉलम में क्या है आपके ओड नंबर्स थे। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं, आगे क्या करना है, प्लस करना है वो तो हम कर ही लेंगे। देखो 9 + 3 सॉरी 6 + 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 and 1 हो जाएगा प्लस में, फिर इसको प्लस करो 9 and 5 = 14, 14 का 4 = 4, 5 and 1 = 4, 4 and 7 हो जाएगा आपका 7 and 4 हो जाएगा 11, 11 का 1 = 6, 7 और 8। अब आप यहाँ पर भी देखो, देखो ये 4 का स्क्वायर बन रहा है, 5 का स्क्वायर बन रहा है, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी अपन सॉल्व किए, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं इसको, इसी को क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 9 + 7 = 16 दिया हुआ है, 16 + 9 = 25 दिया हुआ था, 25 + 11 आपको 26 दिया। अब आपको ये करना था, तो इसमें हमने देखा कि ये जो है वो स्क्वायर्स है, ये जो है वो ओड नंबर, तो हम देखते हैं कि यह कंटिन्यू कर दिया इसको, यहाँ पे 5 का स्क्वायर था तो ये 6 स्क्वायर हो गया, ये 7 स्क्वायर हो गया और ये 8 का स्क्वायर। एंड नेक्स्ट वाले कॉलम में हमने देखा ओड नंबर्स बन रहे 7, 9, 11, इसका नेक्स्ट 13, फिर नेक्स्ट 15 एंड नेक्स्ट 7। फिर हमने क्या किया, उनको सम्स करके यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर भी आपका स्क्वायर्स वाला बोला था, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 एंड 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अब आपको जो एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं ना पेज नंबर 69 पे, ये आपको करने हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल्स जो है वो बता देती हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल्स भी आपको सारे ही करने हैं, एग्जाम्पल वही है जो हमने क्वेश्चंस में किए थे, तो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं तो एग्जाम्पल आपको करने हैं और एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस जो है वो भी आप एक बार सॉल्व करना हो जाएगा, इजी ही है। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12, देखो मैं आपको समझाती हूँ, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है समझाने लायक, तो इसको समझा देते हैं हम। चलो इसमें क्या हुआ है देखो, यहां पर क्या किया है? देखो ये जो 12 और 5 दिया हुआ है ना, 12 और 5 का कर दो आप सम, तो 12 और 5 का सम करोगे तो 17 हो जाएगा और 17 × 10 करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 170। ठीक है, फिर देखो ये 15 और 18 दिया हुआ है ना, तो 15 और 18 को कर दो प्लस, फिर कर दो 10 से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से 19 और यहाँ पर क्या नंबर आएगा, तो देखो पहले आप 55 में से 19 माइनस कर दो तो आपके पास में आ जाएगा 36। ठीक है, फिर आप एक बार चेक कर लो, 19 और 36 को प्लस करते हैं तो 55 आता है और इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 550। ठीक है, तो एग्जामिनेशन टाइप जो एग्जाम्पल्स है वो आपको करने हैं और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। ओके, थैंक यू।